आज 5 सितंबर है। जबान की बात थी, पूर्णतः गला तो ठीक नहीं है, लेकिन सोचा जो कहा गया है अगर उसे तुम थोड़ा सा भी पूरा कर सकते हो तो करना चाहिए। और महावीर कथा की बात है, जो मेरे हृदय के परमात्मा हैं, जिनके शासन में मैं दीक्षित हुआ हूं, जो मेरी अंतरात्मा के भगवान हैं, जिनके शासन की सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसे परमात्मा की दिव्य कथा हमें और तुम्हें भव्य बनाने की कथा महावीर कथा। आज से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं कभी कभी रोमांचित हो जाता, भावुक हो जाता यह सोचकर कि तेरी कितनी पुण्यवाणी है, कि तेरा जन्म जिन शासन में दीक्षा लेने के लिए हुआ, जन्म से ना सही लेकिन जन्म उनके लिए हुआ, क्योंकि जन्म वैदिक संस्कृति में हुआ, सनातन परंपरा में हुआ, यदुकुल यानी यादव वंश में हुआ। लेकिन मात्र 5.5 साल की उम्र से ही मैं इस जिन शासन का हिस्सा हूं, और आज उम्र के इस पड़ाव पर हूं, 43वां वर्ष मेरी दीक्षा का चल रहा है, 55वां वर्ष मेरी उम्र का चल रहा है, और इस शासन को पाने के बाद जिन वाणी को पढ़ने के बाद महावीर वाणी को महसूस करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक गहन संतुष्टि है कि जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि ये सब कुछ पाने के लिए बहुत पुण्यवाणी चाहिए। मन चाहा भवन, मन चाहा सम्मान, मन चाही सांसारिक सफलताएं, ये नहीं कहता कि मैटर नहीं करते,
लेकिन अपनी अपनी नजर है, अपने अपने नजारे हैं, अपना अपना नजराना है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं अपने इस जिन शासन के लिए चक्रवर्ती जैसी संपदा को दांव पर लगाना सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि अनेक चक्रवर्तियों ने इस जिन शासन के लिए चक्रवर्ती पद को भी छोड़ दिया। अनेक राजा महाराजाओं ने सांसारिक सुखों को इस आत्मिक सुख के आगे छोटा सा समझा, क्योंकि हम बड़े के लिए छोटे को छोड़ते हैं, बहुतों के लिए थोड़े को छोड़ते हैं। अगर सम्राटों ने अपनी साम्राज्य का मोह छोड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें है। फकीरी के लिए अमीरी छोड़ दी तो फकीरी में कुछ है। संन्यास के लिए संसार छोड़ दिया तो जरूर कुछ है। पर लेकिन संन्यास उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनके लिए संसार छोटा मालूम पड़ता है, जिनके लिए संन्यास महत्वपूर्ण है। सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी है। ऐसा नहीं है कि संसार में रहते हुए तुम जिन शासन से नहीं जुड़ सकते, तुम्हारे पास भी बहुत संभावनाएं हैं। आप श्रावक और श्राविका बनकर के भी जिन शासन का हिस्सा बन सकते हैं, जिन वाणी के प्रति अनुरक्ति और भक्ति रखते हुए भी आप जिन शासन का हिस्सा बन सकते हैं। जिन शासन का हिस्सा बनने के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं, जिन शासन का हिस्सा बनने के लिए जिनेंद्र देव आपके हृदय में रहने जरूरी है। जिनेश्वर परमात्मा आपकी च्वाइस होनी बहुत जरूरी है। आपकी च्वाइस में, आपकी चाहत में जब जिनेश्वर देव आते हैं तो आप जिन शासन से जुड़ जाते हैं। महत्वपूर्ण आपका सुपारी सूट, महत्वपूर्ण ये साधु बाना नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका हृदय। हमने संत बनकर के कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है, क्योंकि ये सन्यास हमारे जीवन में लिखा था इसलिए लिया है। सन्यास महत्वपूर्ण तब बनता है जब जीवन में महावीर महत्वपूर्ण हो, जीवन में जिनेश्वर देव महत्वपूर्ण हो। आप भी संसार का हिस्सा होते हुए भी अगर कदम कदम पर आपको भी महावीर की याद आती है, जिन वाणी के प्रति अनुरक्ति रहती है, जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति रहती है कि कब मौका मिले, कब मैं मौका निकालूं, और ये तो चाहत की बात है मेरे भाइयों। परमात्मा की भक्ति के लिए आप सांसारिक सुखों को छोड़कर के यहां आते हो, सांसारिक कार्यों को छोड़कर के यहां आते हो कि नहीं हमने जिनवाणी सुननी है, और इसमें कितनी गहराई है इसका पता तब चलता है जब आप इस जिनवाणी के लिए बहुत कुछ छोड़ने की हिम्मत रखते हो। और छूटी जाते हिम्मत रखने की बात नहीं कहता,
क्योंकि मुझे भरत चक्रवर्ती का वो दृष्टांत याद आता है कि जब उनके पास एक द्वारपाल ने आकर के संदेश दिया कि बधाई हो आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। किसकी? चक्र रत्न की, यानी आपकी आयुधशाला में जहां हथियार रखे जाते हैं वहां चक्र रत्न प्रवेश कर रहा है, द्वार पर खड़ा है, बस आपको पहले उसकी पूजा करनी है, पूजा करते ही वो अंदर प्रवेश करेगा और उस चक्र के बिना आप चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। और चक्र रत्न आपकी पूजा की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसी वो गया ऐसी दूसरा सेवक आया, कहा कि बधाई हो आप पिता बने हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और जिसने तुमको पिता बनाया है उसको एक नजर से देख लीजिए, आपकी महारानी आपको दिल से याद कर रही है। जैसे ही वो गया इतने में उद्यान का सेवक पहुंच गया कि बधाई हो भगवान आदिनाथ पधारे हैं और उनका समोसरण लग गया है, आपको जिनवानी सुनने जाना है। एक ही साथ तीन सूचनाएं। अब तुम सोचना कि भरत चक्रवर्ती की जगह तुम होते तो क्या करते, क्योंकि जो जितना महत्वपूर्ण है वो उतने ही महत्वपूर्ण होता है, जो जितना महत्वपूर्ण है वो आपके सामने आगे रहेगा, जो कम महत्वपूर्ण है वो पीछे हो जाएगा। उस समय भरत चक्रवर्ती ने क्या सोचा? कि चक्र रत्न अगर मेरी किस्मत में है तो जब तक नहीं आऊंगा तब तक वो मेरा इंतजार करेगा। जिसने मुझे पिता बनाया है, पुत्र रत्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों के दोनों इस संसार का हिस्सा है। पिता बना हूं शरीर की दृष्टि से, चक्रवर्ती बना हूं शरीर की दृष्टि से, लेकिन भगवान का समोसरण जो मुझे मिला है उसका अगर मैं हिस्सा बनूंगा तो मैं आत्मदृष्टि से बनूंगा। शरीर के पार है वो, ये सत्ता यहीं रह जाएगी, ये रिश्ते यहीं रह जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर है, उस जिनवाणी को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। तो दोनों बातों को छोड़कर वो सबसे पहले कहां गए? भगवान आदिनाथ के समोसर। अब आप सोचना, आपको कोई देने वाला 1,00,000 रुपए का चेक देने वाला है और टाइम है 8:15 बजे का और प्रवचन का टाइम भी, जरा जल्दी बोलो सबसे पहले तुम कहां जाओगे? ईमानदारी से बोलना, जरा बोल तो दो। चेक लेने जाओगे ना? राइट, चलो ईमानदार हो तो आपकी नजर में चेक पहले नंबर पे हुआ ना। ये जिनवानी, ये भगवान का समोसरण आपके लिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी वो है। तो आपका कनेक्शन कहां जुड़ा है? क्योंकि देखिए, केवल इसी फीलिंग के आधार पर,
केवल इसी भावना के आधार पर भरत चक्रवर्ती को महलों में रहते हुए केवल ज्ञान हुआ। उनको केवल ज्ञान पाने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ी। एक दिन की तपस्या नहीं की उन्होंने। जिस केवल ज्ञान को पाने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल खपा दिए, उसी केवल ज्ञान को पाने के लिए भरत चक्रवर्ती ने केवल राजमहल, राजमहल में शीश महल, शीश महल में दर्पण, श्रृंगार गृह जहां वो अपने आप को सजाया करते थे, जहां शरीर को विभूषित किया करते थे, उसी श्रृंगार शाला में भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ? केवल ज्ञान। वो किसके आधार पर? उस फीलिंग के आधार पर कि उनकी नजरों में जिनवानी प्रथम है, जिनेंद्र देव प्रथम है, जिन शासन प्रथम है, इसलिए कहते हैं कहावत आती है ना, जहां चाहा वहां रहा। ये रहा वहां से निकलती है। तो सबसे पहले तो हम सभी जितने भी हैं चुनिंदा ही सही, हाँ, प्योर बाल है ये। अक्सर पर्यूषणों के बाद लोग यहां आना समझ रहे छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। अरे घर में कह देते महाराज जी आए तो रोटी दे देना, है ना, बीमार हो तो दवाई दे देना। सेठानी ने कहा उन्होंने तो आपको कथा में आने के लिए भी बोला, यार समझा करो, मेरे बदले तू चली जा, मुझे भी तो काम करना है। इस जैन कथा या जिन कथा या महावीर कथा के वजह से ये घर नहीं चलता, ये पैसों से चलता है, धन से चलता है। ये सोच जो है ना, इस सोच को जरा जरूर सोचना इस सोच पर, क्योंकि जितना भी कुछ मिला है ये पुण्य से मिला है और पुण्य का संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का संबंध इस आंगन से है, परमात्मा का संबंध जिनवानी से है। क्यों भूल जाते हो आप? और एक चीज याद रख लेना, ये आप लोग जानते भी हो अच्छी तरह से, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये अंदर आ जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, रिपीट करूं? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपके नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो ये भाव भरते हुए अपने भाग्य की, अपने सौभाग्य की, अपने अहोभाग्य की अनुमोदना करो कि वाह, ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि मुझे महावीर की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सुनिए आप, ये सौभाग्य वैसे ही नहीं मिला, इस सौभाग्य की भी एक दास्तान है, इस सौभाग्य का भी एक इतिहास है, इस सौभाग्य का भी एक अतीत है, सुनहरा अतीत, गोल्डन पास्ट, सुनहरा अतीत भी है और सुनहरा भविष्य भी है इसमें। वेरी गुड।
सुनहरा अतीत यूं, अगर आप अहो भाव से भर सको तो भरना, तीर्थंकरों का जीवन, तीर्थंकरों की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, किसी भी तीर्थंकर का जीवन चरित्र वही सुन सकता है जो उस चरित्र के साथ हमारा तुम्हारा किसी ना किसी जन्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये कथा ऐसे नहीं मिली, अतीत में हम कभी ना कभी भगवान महावीर स्वामी से जुड़े होंगे, चाहे साधु रूप में, चाहे साध्वी रूप में, चाहे श्रावक रूप में, चाहे श्राविका के रूप में, हम जरूर जुड़े होंगे। हमने कभी ना कभी उनको अपनी आंखों से निहारा होगा, कभी ना कभी उनको अपनी कानों से सुना होगा, कुछ ना कुछ तो संबंध रहा होगा। उन्हीं संबंधों की सौगात है ये महावीर की कथा, क्योंकि हमारा तुम्हारा भी संबंध रहा है। ये महावीर कथा पता नहीं कितने साधु साध्वी सुनाते हैं, कितने श्रावक और श्राविका सुनते हैं, लेकिन हर साधु साध्वी के हिस्से में जो जो श्रोताएं जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई किसी ना किसी जन्म का ताल्लुकात है, संबंध है। हम ऐसे नहीं मिले, क्योंकि यहां कोई बेवजह नहीं मिलता, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई भी संबंध हो, वो संबंध किसी ना किसी आधार पर ही होते हैं, उसका कोई ना कोई इतिहास होता है। तो आप अपने ऊपर गर्व करते हो, वाह महावीर की कथा मैं अगर सुन रहा हूं तो जरूर मैं महावीर से जुड़ा हुआ हूंगा। क्योंकि 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, 1,50,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएं, ये महावीर की संपदा थी भाव तीर्थ की। तो सारे के सारे मुक्ति में नहीं गए, सारे के सारे मुक्ति में नहीं गए, बाकी जो बचे हैं वो कहीं ना कहीं घूमते फिरते, कोई यहां आ गया, कोई वहां आ गया, कोई वहां आ गया, कोई मंदिर में चला गया, कोई दिगंबर बन गया, कोई श्वेतांबर बन गया, कोई स्थानिक वासी बन गया, कोई तेरा पंथ बन गया, लेकिन जुड़े रहे महावीर से। ये जो जुड़ाव है ना, यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारी संपदा है। इस संपदा के ऊपर गर्व कीजिए। आपने कितना कमाया है इस पे गर्व करने की जरूरत नहीं। आपने कितना सुना है महावीर को और कितने दिल से सुना है, ये इस पर गौर करने वाली बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अद्भुत महायोगी, अनुत्तर योगी, क्योंकि जो मोक्ष में जाता है उसको हम अनुत्तर योगी कहते हैं, जो लौट के नहीं आता उसे हम अनुत्तर योगी कहते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं आता उसको हम अनुत्तर योगी कहते हैं। अनुत्तर, जिसका कोई उत्तर नहीं, यानी अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, मुक्ति में जाएगा। मेरे बंधुओं, ये हमारा कम सौभाग्य की बात है कि इस संसार का हिस्सा होते हुए
हम ऐसे अनुत्तर योगी महावीर की कथा सुन रहे हैं, और महावीर की कथा रोल पर नहीं रियल पर चलती है। बहुत अच्छा शब्द आया है, क्या बोला मैंने अभी, रोल, और एक होता है रियल। मैं साधु के रोल में हूं, आप श्रावक के रोल में, रोल भूमिका, भूमिका। ये जितने भी अभिनेता होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किसी ना किसी का रोल करते हैं। वो ऐसे भी हैं, कोई कृष्ण का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है। रोल तो समझ गए होंगे आप, अभिनय, अभिनय समझ रहे होंगे आप, अभिनय करना, रोल करना किसी का। एक होता है रोल और एक होता है रियल। रियल यानी वास्तव में। रोल करना आसान है या रियल होना आसान है? रोल करना, हाँ, मैं साधु बाना पहन करके साधु बन सकता हूं, साधु बनने का रोल कर सकता हूं मैं, लेकिन साधु हूं या नहीं ये तो मेरी आत्मा जानती है। आप भी श्रावक के रोल में हो, बस हमने इस रोल को रियल में ले जाना है, इस साधु बाने को साधु भाव तक लेके जाना है। साधु बाना रोल है, साधु भाव रियलिटी है। श्रावक कहलाना रोल है, श्रावक बनना भी रोल है, लेकिन श्रावक का भाव आना ये रियलिटी है। ये जो जिनवानी है ना, ये रोल पर नहीं रियल पर फोकस करती है। ठीक है, व्यवहार का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपनी भूमिका को समझना है कि मैं संत बना हूं तो कितनी मात्रा में मैं हूं, ये संतताई कितनी मात्रा में पहुंची है, ये श्रावकपना मेरी कितनी गहराई तक गया है, ये चेक करने वाली बात है। ये महावीर की कथा केवल मैं मनोरंजन के लिए ना सुना रहा हूं ना सुन रहा हूं। महावीर की कथा महावीर बनने के लिए सुन रहा हूं, महावीर बनने के लिए सुना रहा हूं, क्योंकि ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये महावीर को समझने का विषय है, ये महावीर को महसूस करने की साधना है। ये कथा कोई ऐसी चीज नहीं है कि हां आज देखो महावीर के बारे में क्या सुनाएंगे। हम कथा इसलिए सुने कि मैं इस वर्तमान में महावीर जैसा कितना बन सकता हूं, महावीर जैसी कितनी सहनशीलता ला सकता हूं, महावीर स्वामी जैसा मैत्री भाव में कितना ला सकता हूं, महावीर जैसा त्याग कैसे ला सकता हूं। ये भाव से सुनोगे बदल जाओगे, और बदलोगे नहीं कभी ना कभी महावीर बन जाओगे आप। महावीर की कथा महावीर बनने के लिए सुननी चाहिए। महावीर की कथा हमारे कानों का नहीं हमारे प्राणों का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि कानों से सुनना आसान है लेकिन प्राणों से सुनना, प्राण समझते होंगे, याद रख लेना, ये कान भी तभी तक हैं जब तक प्राण है। प्राण की उपस्थिति में कान महत्वपूर्ण होते हैं, प्राण निकल गए तो ये कान भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो महावीर आपके कानों का विषय नहीं प्राणों का विषय होना चाहिए। दत्त चित्त आह, मस्ती में, भक्ति में, अनुरक्ति में अपने आप को अहोभाग्य, इस कथा के लिए 100 काम छोड़ना पड़े छोड़ूंगा,
क्योंकि इस दुनिया में चाहे मैं कितना भी इकट्ठा कर लूं, कितना भी इकट्ठा कर लूं, कितने ही रिश्ते जोड़ लूं, उन सब चीजों को एक ना एक दिन छोड़कर मुझे जाना ही है। लेकिन महावीर से रिश्ता अगर जुड़ गया ना मेरा, तो ये एक वो रिश्ता है जो रिश्ता मेरी प्रोग्रेस के काम आएगा, मेरी उन्नति के काम आएगा, मेरी सदगति के काम आएगा। ये वो रिश्ता है, महावीर से अगर रिश्ता दिल से जुड़ जाए ना, तो सच कहता हूं ये रिश्ता वो रिश्ता है जो आपको महावीर बना सकता है। ये वो रिश्ता है जो आपको महावीर बना सकता है। मैं एक जगह डेफिनेशन पढ़ रहा था, आदर्श, आदर्श कह देते ना, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे आइडल हैं। आइडल को क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं ना। आदर्श शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहले तो मोटा अर्थ देखो आप, अगर जो पहली नजर में आएगा, पता नहीं आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा, आदर्श को देखो आप, आदर्श, इसका मोटा अर्थ होता है आत्मा से देखना। आ यानी आत्मा, दर्श यानी देखना, दर्शन इसी से बना है, दर्श यानी देखना। और आपको बतला देता हूं, जब तक हम आंखों से देखते हैं वो देखना ही होता है, लेकिन जब हम आत्मा से देखते हैं तो वो दर्शन बन जाता है। आंखों से देखना देखना कहलाता है और आत्मा से देखना दर्शन कहलाता है। दर्शन कहते हैं कि हमने किसी को प्राणों से देखा, जी जान से देखा, अपने आप को भूल करके देखा, अपने आप को मिटा करके देखा। अपने आप को जब हम मिटा करके देखते हैं तो वो दर्शन बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये वो दर्शन है, इसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। जब भी हम आत्मा से देखते हैं वो दर्शन बन जाता है। सच कहता हूं, हम लोग बहुत बड़ी नादानी करते चले जाते हैं, लोगों को या तो हम शरीर से देखते हैं, या संप्रदाय से देखते हैं, या रंग से देखते हैं, या धन से देखते हैं। इसके पास ये धनवान है तो मैं भी धनवान हूं, ये मारी कैटेगरी का है। कोई व्यवसाय से देखता है, ये वकील है मैं भी वकील हूं, हम आपस में भाई भाई है। ये मंदिर मार्गी जैन है, मैं भी मंदिर मार्गी जैन हूं, हाँ भाई हम तो भाई भाई है भाई। ये दिगंबर है, मैं भी दिगंबर हूं, हम आपस में भाई भाई है भाई। ये स्थानकवासी है और हम भी स्थानकवासी हैं, हम भाई भाई हैं। भाई ये तो फला गुरु को मानता है, मैं भी तो उन्हीं गुरु को मानता हूं, हम आपस में भाई भाई हैं। ये तो बहुत छोटी नजर है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये केवल देखना है। जब भी तुम संप्रदाय से देखते हो किसी को ना, तो वो दर्शन नहीं कहलाता, वो देखना है। लेकिन जब हम कहां से, आत्मा से देखते हैं, तो सम्यक दर्शन बन जाता है। क्यों बनता है बताओ? वो इसलिए बनता है क्योंकि जब हम किसी को आत्मा से देखते हैं तो इसका एक और प्रभाव आता है कि उसमें और मुझ में कुछ भी अंतर नजर नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता। आपको मैं अंतराय कर्म की एक परिभाषा बतलाऊं, अगर समझ में आ जाए तो। एक दूसरे में अंतर डालना, समझ रहे हो? अंतर यानी फर्क, फर्क समझते हो आप? किसी में भेद समझना, अंतर डालना। अंतर डालने का मतलब क्या है? ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये असली साधु है, ये नकली साधु है, ये एक साधु है,
ये तो साधु के नाम पर ढोंग है, ये सब हम अपुनन अमुनन में ये भाषा वो बोल रहा हूं जो आपकी आम बोलचाल की भाषा है। आपके अंदर जो राग भाव है, ममत्व भाव है, उस भाव से जब तुम बोलते हो तो तुम यही तो बोलते हो। जब भी हम फर्क डालते, जब भी हम अंतराय अंतर डालते, अंतर फर्क डालते हैं, यहां से भी अंतराय कर्म का निकाचित बंद होता है। किसका? अंतराय कर्म। और इस अंतराय कर्म का मालूम है कितना दुष्प्रभाव होता है? इस अंतराय कर्म का वो दुष्प्रभाव होता है कि यह अंतर कभी मिटने ही नहीं देगा, और जब तक अंतर नहीं मिटेगा तब तक आत्मा परमात्मा बन ही नहीं सकती। आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। क्या बोला? आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म को, फिर भेद है ना खेद है। काट दे जो कर्म को, फिर भेद है ना खेद है। आत्मा में, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। उस परमात्मा में और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? एक कर्म ही तो बीच में है। वो कर्म मुक्त हो गए और अभी हम कर्म से बंधे हैं। कर्म से क्यों बंधे हैं? क्योंकि अब हम शरीर से, संसार से, संपदा से, संप्रदाय से, इनसे बंधे हैं। और जब तक ये बंधन है तब तक आप भेदभाव करते ही रहने वाले हो, और जब तक ये भेदभाव है तब तक अंतराय कर्म मजबूत होता रहेगा। मोहनीय कर्म में अंतराय कर्म का प्रगाढ़ बंधन होता है, क्योंकि भेदभाव किस में आता है? मैत्री भाव में आता है या मोहनीय में आता है? भेदभाव मोहनीय कर्म में आता है या मैत्री भाव में आता है? मोहनीय कर्म में आता है। और ये अंतर जब तक डालते रहोगे आप, फर्क डालते रहोगे, अंतराय कर्म बनता रहेगा। और जब तक अंतराय कर्म बनता रहेगा तब तक, क्योंकि मैं बतलाऊं, पारस होता पारस, पारस और लोहा दोनों आपस में मिले तो कुछ परिवर्तन तो होता है। क्या होता है? लोहा और उस पारस के, पारस एक ऐसे कागज में या ऐसे पॉलिथीन में लिपटा हुआ हो जो दूर से दिखाई भी ना दे, दिखाई भी ना दे कि ये कुछ, इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है। इतना महीन, इतना महीन कि पता ही ना चले कि कुछ चिपका हुआ है। अगर इतना महीन भी है, वो कितना भी लोहे को छू ले तो भी लोहा सोना नहीं बनेगा। बस यही है वो परत। हम सब पारस हैं, पर लेकिन ये बीच में जो फर्क आ गया ना, जो अंतर आ गया, इस अंतर ने काम खराब कर दिया। तो आज तो मैंने महावीर की कथा की भूमिका थोड़ी तैयार कर रहा हूं। नौकर जी, कथा कब शुरू करोगे? आपको हर चीज की बड़ी जल्दी रहती है, थोड़ी सी ऐसी भूमिका तैयार कर लेने तो भैया, कि महावीर को आपकी आत्मा में उतारना आसान हो जाए, महावीर को समझना आसान हो जाए। महावीर को कानों से मत सुनिए, महावीर को प्राणों से सुनिए। और प्राणों से जब सुनना शुरू करोगे ना, सच कहता हूं, नींद नहीं आएगी ना। कानों से सुनोगे कभी भी नींद आ सकती है। और मैं बताऊं, जो कानों से सुनते वो सो जाते। दोबारा बोलू क्या? जो कानों से सुनते हैं वो सो जाते हैं, जो प्राणों से सुनते हैं वो जागे हुए रहते हैं। जाग के सुनना उस जागृत आत्मा की कथा। ये अवसर बार बार
नहीं आएगा, क्योंकि कथा सुनते सुनते सम्यक दर्शनी हो सकते हो आप, कथा सुनते सुनते सम्यक दर्शन का स्पर्श हो सकता है आपको। ये जादू है ये सुनने का, ये जादू है सुनाने का। मैं भावुक होकर सुनाता चला जाऊं और आप भावुक होकर सुनते चले जाओ, दोनों ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। भावुक होकर सुना करो और भावुक होकर सुनाया करो, डूब जाया करो, भूल जाया करो, दुनिया को भूल जाओ, महावीर में डूब जाओ।